नमस्कार, मैं गौरव सिंह और आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। कुरुद नगर के दो सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है, जिस पर शासन पूरी तरह से मौन है। धमतरी जिले में रात के अंधेरे में अवैध रेत उत्खनन का मामला आम हो गया है। वहीं ताज़ा मामला ग्राम नारी रेत खदान का है, जहां दिन में सुबह से सैकड़ों हाईवा रेत का उत्खनन किया जा चुका है। विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम नारी में कुरुद नगर के दो सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में बेखौफ होकर धड़ल्ले से रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। वहीं उनके गुर्गों द्वारा रोड पर खड़े होकर गाड़ियों को खदान तक अंदर दाखिल कराया जाता है। जानकारी के अनुसार हाईवा नवापारा होते नारी पहुंच रहा है, जिसके बाद रेत भर आसानी से हाईवा रोड से निकाला जा रहा है, जिससे प्रशासन की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। प्रशासन ने वर्षा ऋतु को लेकर 15 जून से रेत खदान का खनन बंद करा दिया गया है। बावजूद इसके कुछ रेत माफिया रात के अंधेरे में कुछ सत्ताधारी नेता अपने पद का दुरुपयोग कर धड़ल्ले से बेखौफ होकर नियमों को ताक में रखकर मोटी रकम की जुगत में महानदी के सीने को चीरकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस संबंध में जब कुरुद एसडीएम सुनील शर्मा से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि यह रेत उत्खनन का मामला हर एक दो दिन में शिकायतें आती रहती है। इसको लेकर हमारी कुरुद अनुविभाग और राजस्व विभाग से संबंधित नायब तहसीलदार को जांच के लिए भेजा गया है। मैं अवैध रेत उत्खनन संबंधी शिकायत मेरे पास अभी घंटे भर पहले आई है, जिसमें मैंने संबंधित नायब तहसीलदार को वहां पे भेजा है। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग हर दूसरे दिन हमारे पास ये शिकायतें प्राप्त होती हैं, ग्रामीणों की तरफ से भी और हमारे मीडिया बंधुओं की तरफ से भी। तो उसके लिए कुरुद अनुविभाग में एक संयुक्त जांच टीम का गठन किया जाएगा, जो ऐसी कोई भी शिकायत होती है उसमें तत्काल एक्शन लेगी। और इस जांच टीम में रेवेन्यू विभाग, खनिज विभाग और पंचायत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। Horizon Hospital, विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज। Horizon Hospital, जलविहार कॉलोनी, कटरतला, रायपुर।